और आवाम के हाल चाल। तो आज का टॉपिक बहुत मेन ज़रूरी टॉपिक है जिसमें मैं बात करना चाहता था। आज का टॉपिक ये है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया आपको, और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बात ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग होते हैं वो हमें धोखा देते हैं, बिट्रे करते हैं। और हमेशा जब धोखे के बारे में बात होती है, लोग क्या समझते हैं? लोग यही समझते हैं कि धोखे का मतलब ये होता है कि जो किसी से आपने प्यार किया और उसने धोखा दिया हो। देखिए, अगर आपने ज़िंदगी में, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपने ज़िंदगी में कभी किसी से सच्चे दिल से दोस्ती की हो ना, मुखलिस दिल से, आप कहें कि लाइक द मोस्ट प्योरेस्ट वे पॉसिबल, आपने किसी से दोस्ती की हो, तो आपके दोस्त भी आपका दिल तोड़ सकते हैं। आपको ये बात मेरी लग रही होगी अजीब कि एक ऐसी बातें कर रहे हैं अहमद, लेकिन आप किसी से दिल से दोस्ती करके देखो, बिना किसी मतलब की दोस्ती करके देखो, और वो इंसान जब आपको इग्नोर करेगा, जब वो आपको बिट्रे करेगा, जब वो आपको धोखा देगा ना, तो वो दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखें, अगर किसी ने आपको धोखा दिया और वो इंसान आया आपकी लाइफ में वापस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे पास कोई आया, मेरे को उसने कॉल की, मैसेज किया, या मिलने आया, कहा अहमद आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। देखें, माफ़ करने की अगर कोई आपसे बात करता है, तो आपने क्या करना है? आपने अपना दिल बड़ा करना है और आपने उसको माफ़ कर देना है। कोई बोलता है आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ ऐसा ऐसा किया था, आपके बुरे वक्त में मैं आपको छोड़ के चला गया था, कोई भी बात, आप उनसे उस इंसान को माफ़ करो और आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो इंसान ये बोले कि आप मुझे माफ़ कर दो और मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई दोस्त जिसने मुझे बिट्रे किया हो, धोखा दिया हो, या छोड़ दिया हो, कोई भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरे पास वापस आए, मुझे सॉरी कहे, अपोलोजाइज़ करे, अहमद आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग आई डिड, और बोले कि मैं आपका फिर से दोस्त बनना चाहता हूँ, इस वक्त में आपको क्या करना है? आपने बोलना है नहीं शुक्रिया, वो रास्ता है वहाँ जाओ आप, खलास, वहाँ रास्ता है वहाँ से आप चले जाओ। क्योंकि देखिए, आप ये बात याद रखिए, अगर इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है ना, और कोई भी इंसान हो सकता है, और कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, प्यार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर एक इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है ना, तो आप ये बात याद रखें कि ज़िंदगी के अगले किसी मोड़ पर, फिर किसी वक्त जब आपके हालात ख़राब होंगे या आपको किसी की मदद चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए होगा, वो इंसान फिर आपको धोखा दे सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या आता है? माफ़ी मांगने, माफ़ करें, बोले मैंने आपको दिल से माफ़ किया, आप बस चले जाओ, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस ना आने दें। हम क्या करते हैं, हमें जब कोई धोखा देते हैं ना, तो हम पहली चीज़ अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं कि हमने कुछ गलत किया होगा, हमने कुछ बुरा किया होगा। उसके बाद हम उस इंसान के मैसेज का इंतज़ार करते रहते हैं कि वो मैसेज करेगा करेगा करेगा, फाइनली जब वो मैसेज करता है, तो हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि वही इंसान था जिसने हमें बर्बाद किया था, या जिसने हमें धोखा दिया था, जिसने हमें तकलीफ़ दी थी। इसीलिए कोई भी वापस आना चाहता है, आप उसको माफ़ करें और बोलें कि आप बस मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस आने की जगह ना दे, क्योंकि जो एक बार धोखा देगा वो हमेशा धोखा देगा, कभी भी धोखा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।